राजधानी लखनऊ के थाना पीजीआई पुलिस टीम द्वारा पीजीआई मेडिकल संचालक के साथ हुई लूट की घटना का अनावरण कर एक शातिर अभियुक्त गिरफ्तार किया गया। पीजीआई पुलिस टीम द्वारा मेडिकल स्टोर संचालक से हुई लूट का खुलासा हुआ है। क्या रेकी करके लूट की गई थी और इसमें कितने लोग शामिल थे और क्या कुछ अभी तक इसमें रिकवरी हुई है? दिनांक 27 तारीख को थाना पीजीआई क्षेत्र में देर रात एक घटना हुई थी जहां एक मेडिकल संचालक के साथ लूट की गई थी। उनके पैसे से भरे बैग को छीन लिया गया था, इसमें लगभग लाख रुपए थे। इस घटना तत्काल बाद पुलिस सक्रिय हो गई। सूचना मिलते ही कई टीम इस कार्य पर लग गई थी। 29 तारीख को पीजीआई थाने की टीम को इसमें सफलता मिली। एक मुखबिर सूचना के प्राप्त होने के बाद एक व्यक्ति जिसका नाम आनंद रावत है, इस व्यक्ति के बारे में पता चला कि ये लड़का इस लूट में शामिल था। पुलिस वहाँ मौके पर पहुंची और पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। ये अपने साथियों के लिए वेट कर रहा था और शायद किसी दूसरी घटना के फिराक में था। पूछताछ करने पर भी इसने माना कि उस लड़के और वेट कर रहा था, लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं आ पाया है। इस पूरी घटना को अंजाम देने में 5 लोग सम्मिलित रहे, जिसमें से जो इसका मास्टर माइंड है वो पंकज रावत है, और पंकज रावत, आनंद रावत और आनंद रावत का ही एक रिश्तेदार है आकाश रावत। ये 3 लोगों के नाम अभी हम जानते हैं। पंकज रावत के 2 और साथी थे साथ में। ये जब हम लोग और अरेस्टिंग करेंगे तब उसके बारे में और डिटेल से बता पाएंगे। इसमें घटना कारित करने में सबसे पहले 2 लोगों ने रेकी की है। 2 लोग रेकी करने में, एक आकाश है और दूसरा एक और व्यक्ति है जिसको ये लड़का नहीं पहचानता है अभी, आनंद। इन 2 लोगों ने जब वो मेडिकल संचालक पैसे लेके निकला है उसके बाद उसका पीछा किया गया है, पीछा कर, और ये 3 लोग ऑलरेडी पहले से ही इसके घर के बाहर वेट कर रहे थे। इस घटने की प्लानिंग लगभग महीने भर पहले हो चुकी थी, जहां लोग कॉन्स्टेंटली ये वॉच रखते थे कि ये व्यक्ति पैसे लेकर के अपने घर पे जाता है उस बैग में रख करके। उसी को उन्होंने अंजाम दिया 27 तारीख को। 3 लोग ऑलरेडी इसे घर पर वेट कर रहे थे, पंकज और उसके साथी, और यहाँ पर दूसरा व्यक्ति जो लड़का पकड़ा गया आकाश यहाँ पर था, और इनके साथ ये लोग पीछा करते हुए उसको आए और 5 लोगों ने मिल करके फिर उस घटना को अंजाम दिया और उससे बैग छीन लिया गया। फिलहाल जो हमने रिकवरी की है उसमें 25,000 रुपये, एक तमंचा और कुछ कारतूस। सर, ये जो बदमाश हैं ये केवल क्या उस क्षेत्र में जैसे रेकी कर रहे थे मेडिकल संचालक को निशाना बनाया, क्या इसके पूर्व में भी इस तरीके की घटनाएं सामने आई हैं जिसको लेकर के छानबीन की जा रही है? पंकज रावत, जो हमने उसके बारे में पता किया, पंकज रावत की आम शोहरत अच्छी नहीं है। पंकज रावत किसी और जिलों से भी, कुछ और जिलों से वांटेड है किसी घटनाओं में, जिसके बारे में अभी हम लोग पुष्टिकारक डेटा मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, लेकिन उसकी आम शोहरत अच्छी नहीं है। और अभी रेकी वाली घटना में जो लखनऊ में हमें सूचित मिला है वो यही हुआ है। इसके अलावा 1-2 छिटपुट घटना को उन्होंने प्रयास किया था जो ये कबूल कर रहा है, तो उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। किसको मामला पंजीकृत नहीं है, कोई वादी पुलिस के पास नहीं आया था जब, लेकिन हम लोग उस घटना में पता करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके जो आपराधिक इतिहास निकाला गया है उसमें इसके पूर्व में भी इस पर मुकदमे दर्ज हैं। सर, बात की जाए जो लूट की घटनाओं के से पैसे मिलते थे।